लाहौर हमारा घर, गंदा मत करें लाहौर न्यूज़। और सफाई कंपनी की खसूसी आगाही मुहिम जारी, ठोकर यूसी 110 चेयरमैन मार्केट में पंपलेट्स और वेस्ट बैग तकसीम किए गए, शहरियों को सफाई की तरगीब दी गई। मजीद अपडेट्स लेंगे इमरान मलिक से। इमरान बताइएगा, लाहौर हमारा अपना है, इसकी सफाई भी हमने करनी है, इसका ख्याल भी हम रखेंगे। इस वक्त हम यूनियन काउंसिल 110 ठोकर न्याज गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कूड़े के ये हालात थे कि यहाँ पर तकरीबन 500 टन कूड़ा जो है इस साइड से उठाया गया है। अगर मेरा कैमरा बिलाल दिखा सके तो यहाँ पर बकायदा तौर पर ये तमाम तर जो साइट थी ये एक इसको डंपिंग साइट भी कहा जा सकता है, गैर कानूनी डंपिंग साइट यहाँ पर बनाई गई थी जहाँ से कूड़ा जो है उसको उठा लिया गया है। सफाई मुहिम जो है वो जारी है। यहाँ पर सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीमान की हदायत पर यहाँ पर जो तरीके इंसाफ के रहनुमा आजाद असम शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर MDLWMC अल बिराक ओस पाक के जो नुमाइंदे हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, तमाम तर अफसरान यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शहर लाहौर की सफाई के हवाले से ही बातचीत अभी भी जारी है कि शहर को किस तरह से साफ करना है। हमारे साथ आजाद असम शरीफ साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, पूरे शहर की सूरत हाल आपके सामने भी है, 5 रोज़ कबल इजलास भी हुआ, अली खान साहब की भी आपने बातें सुनी, उन्होंने क्या बात की और अभी क्या सूरत हाल सामने है आपके पूरे शहर लाहौर की? पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। आज MD साहब, GM साहब, डायरेक्टर साहब, ओसपाक के जो हेड हैं वो हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह ताला हम ऐसे ही अपना जैसे ओसपाक को देख रहे हैं ऐसे ही अल बुराक जो है ना उसके साथ भी हमारा चल रहा है और एक स्पेशल टीम हम बना रहे हैं जो मिनिस्टर साहब की हिदायत पर बनी है और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है ग्रीन एंड ग्रीन जो है ना ग्रीन हमारा उसके ऊपर। और हमने इंशाल्लाह ताला इधर हमारे कम से कम 200 के करीब प्लॉट हैं जो हम जिनको क्लीन कर रहे हैं। अब आगे हम आपको लेके चलेंगे, वहाँ कम से कम भी 800 के करीब हैं। ये आज का कूड़ा नहीं है, ये कम से कम भी 6-7 साल से ज़्यादा का हो गया अरसा। कि शहर लाहौर की सफाई की सूरत इस वक्त कैसी है, आप मुतमिन है? अभी हम मुतमिन नहीं है, जैसे आपको मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं मुतमिन नहीं हूँ। MD साहब आप साथ मौजूद हैं, आजाद असम शरीफ साहब ने कहा कि हम मुतमिन नहीं हैं, तो किस तरह से आप इसको लेकर चलेंगे, पूरा शहर साफ़ करना है, किस तरह से साफ़ करेंगे आप? देखिए ये बिल्कुल ठीक है कि आवाम हमारे से बहुत अच्छी तवक्कात रख रही हैं और हमारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स भी हमारे साथ हैं, हमें जसम साहब की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट है, मिनिस्टर साहब की हिदायत हैं, इमरान खान साहब का क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव जैसे चल रहा है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा फोकस सिर्फ उन्हीं एरियाज़ के ऊपर है जो निगलेक्टेड एरियाज़ हैं, लाइक इस तरह के एरिया में जो हम आए हैं तो यहाँ पे क्या इश्यूज़ थे, क्या प्रॉब्लम्स थी वो हमने आगे देखी हैं। किसी एरियाज़ में वर्कर्स की क्वान्टिटी थोड़ी कम है, किसी एरियाज में ज़्यादा है, इन सारी चीज़ों की वर्किंग हम कर रहे हैं। हमारे साथ फाइक कोचक साहब भी मौजूद हैं जो ओसपा के कोऑर्डिनेटर, उनसे बात करते हैं। सर आज आजाद असम शरीफ साहब ने कहा कि अभी हम मुतमिन नहीं हैं। Ben ilk önce Lahore News'e teşekkür ediyorum bu duyarlılığından dolayı. Ben de Lahore News'a jo hai to shukriya ada karunga. İkinci olarak da Jasim Bey'e ve Alim Han Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben dusra jo hai to Jasim sahab aur Alim Khan sahab ka bahut mashkoor hu. Bu alanlardan biz çok rahatsızdık ama LWMC bize yasal mevzuattan dolayı müsaade edemiyordu ve temizleyemiyorduk ama çok rahatsızdık. Yani bu mevzu hayatı illegal dumping ve illegal activity jiski permission nahi mil rahi thi jab in Jasim sahab ne mudakhalat ki to kaam shuru hua. Çok teşekkür ediyorum. Dönümüzü açtılar ve biz de temizlemeye başladık. Yani hamara rasta khola aur iske liye hum inke bahut mashkoor hain. Aapne तीनों जो साहिबान हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो सूरत हाल है इनलीगल डंपिंग हो रही थी इसको साफ तो करवा लिया गया है, मगर आजाद असम शरीफ का ये कहना है कि 15 से 20 रोज़ और लगेंगे इस सफाई सुथराई की सूरत हाल को काबू में पाने के लिए और इंशाल्लाह तआला पूरा शहर लाहौर जो है वो आपको चमकता दमकता नजर आएगा। जी शुक्रिया इमरान।